लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और सेवन स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म फिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थी के अतीत को कंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को कंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में
एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने दतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और सेवन स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म फिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्रन ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थी के अतीत को कंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को कंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में
पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने दतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और सेवन स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के साथ की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी।
हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और सेवन स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सकिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म फिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में काश्मीर में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थी के अतीत को कंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को कंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला,
जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और सेवन स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रिया आनंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के साथ की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थिव के अतीत को कंगालने के लिए प्रेरित करता है।
उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सकिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की 3री किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म फिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक
हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने दतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की 3री किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने का
करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 Screen Studio द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है। लियो
दास है जिसे मूर्त मान लिया गया था, लेकिन पार्थे ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने का करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थे के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और सेवन स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में काश्मीर में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है।
लियो दास है, लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने का करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका
बेटा लियो दास है। लियो दास है, लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने का करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्य से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की 3री किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के साथ की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है। को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था।
पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है। लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सकिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की 3री किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थिव पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेर में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है।
को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है। लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थिव पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे
तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने दतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थिव पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के साथ की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध
नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है। कुश के परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने दतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की 3री किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थिव पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के साथ की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकार मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को
उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिक अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार की कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है। कुश के परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने दतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म फिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेर में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया,
जिससे उससे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थे का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थे से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थे उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थे ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने दतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म फिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थाई शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकार मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन
के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने दतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की 3री किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठिगो के लिए रवाना
हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने दतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के साथ की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकार मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपनी
अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठीक के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म फिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में
कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नज़र आती है, जो अपनी अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठीक के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के साथ की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी,
ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपनी अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठीको के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ठीगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के साथ की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्रन ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया
लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठीक के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है।
शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठीको के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ठीगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो
तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठीक के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्य से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को कंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को कंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ठीगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थिव पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी,
जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठेगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को कंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को कंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने दतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ठीगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थिव पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेर में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल
चलता है। गुस्से में पार्थेनो उन सभी की पिटाई कर दी जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है, तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठीक के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने दतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ट्रिगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के साथ की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह के
गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है, तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठेगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है, को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को कंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को कंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ठीगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थिव पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं।
पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी। जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठीक के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है। उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सकिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रिया आनंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ठीगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थिव पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के साथ की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी
शंगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है, तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठीक के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को कंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को कंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सकिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ठीगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थिव पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के साथ की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है।
एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठेगो के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को कंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को कंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मैसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ठीगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थिव पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है। और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है।
सिद्धू की मदद से पार्थिव लगड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लगड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है, तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठीक के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थिव के अतीत को कंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को कंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सकिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रिया आनंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ठीगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थिव पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं। एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है,
उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे के वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठेकों के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी। लियो मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियो एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में है, उनके साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, त्रिशा गौतम, वसुदेव मेनन, मसक्सिन, मैडोना सेबेस्टियन, जॉर्ज मैरिन, मंशूर अली खान, प्रियानंद और मैथ्यू थॉमस है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। यह फिल्म ठीगो में एक कैफे मालिक और पशु बचावकर्ता पार्थी पर आधारित है, जिसका पीछा गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास करते हैं, जिन्हें उस पर एंटनी का अलग बेटा लियो होने का संदेह है। फिल्म की अधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है और कुछ दिन बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कासमेन में एक छुटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूरे स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकांत मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर के मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें विजय के प्रदर्शन, तकनीकी पहलुओं और एक्शन नृत्यों की प्रशंसा की गई थी, जबकि लेखन और आलोचना मिली थी। इसके एक तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और सभी समय की फिल्म, विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो पार्थिवन पार्थी हिमाचल प्रदेश के ठिगियो में एक पशु बचावकर्ता और कैफे मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटी सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहते हैं।
एक दिन पार्थिव का दोस्त जोशी एंड्रयूज, जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे के वश में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थिव लकड़बग्घा को शांत करने में कामयाब हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा को शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थिव और चिंटू कैफे में थे, तभी संगमुगन नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थिव उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति और चाल चलता है। गुस्से में पार्थिव ने उन सभी की पिटाई कर दी, जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थिव बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थिव को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसकी तस्वीरें पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक तस्वीर तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर आती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में बताता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ ठेकों के लिए रवाना हो गए। इस बीच संगमुगन के रिश्तेदारों ने पार्थिव और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थिव का अनुरोध नेपोलियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसे तिरुचिरापल्ली में उसकी वीरता के बाद प्रसन्न किया गया है को उसके परिवार को रक्षा करने का काम सौंपा गया था। पार्थिव से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थिव उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थिव ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थिव के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के कथित अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल कराना से भारत लौट आए और उन्होंने धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी।